पर मुझे ऐसा लगता है कि जीशान सोच विचार कर रहा है। यकीनन फैसला रिदा के हक में ही होगा, क्योंकि सुबह जब मैंने जीशान से बात की तो वो सोचने लग गया, बिल्कुल चुप हो गया था। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, मैंने तो नफल मान रखे हैं। या अल्लाह मेरे जीशान के दिल में नरमी डाल दे, वो रिदा को लेने के लिए चला जाए। मैं तो सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। ऐसा ना हुआ तो क्या होगा, मेरे घर की रौनकें कहाँ चली गई। अपा मैं एक बात सोच रही थी, अगर जीशान चला जाता है रिदा को लेने के लिए और उसके घर वाले इनकार कर देते हैं उसको भेजने से, तो फिर क्या होगा। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो। मेरा ख्याल है आप रिदा की अम्मी को फोन करके बात कर लें। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। फोन आप। हाँ वो ये पड़ा है। हेलो हेलो। हाँ हाँ जरीना, क्या हाल है? बाजी से मेरी बात करा सकती हो? वो जी रिदा बाजी ना गिर के बेहोश हो गई थी। बेगम साहबों ने अस्पताल लेकर गई है, पता नहीं जी क्या हो गया था। क्या हुआ, खैरियत तो है? रिदा की तबीयत ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं।